हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज लेके आओ 30 फीट × 50 फीट के अंदर एक 3 बेडरूम का हाउस प्लान है। फर्स्ट उसका 2D प्लान क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट उसका 3D प्लान क्रिएट करके डोर विंडो फर्नीचर किस तरह ऐड किया है सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। टाइम लैप्स लगा देता हूँ वीडियो को, एंड तक वॉच करते रहना। नेक्स्ट उसका 2D मेजरमेंट प्लान कितना बाय कितना आने वाला सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इसका 3D टॉप एंगल भी देख लेते हैं किस तरह आने वाला है। फर्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा एंट्री का लेफ्ट साइड में देखने के लिए सीढ़ी देख सकते हो नेक्स्ट फ्लोर जाने के लिए। इसमें भी डोर का यूज किया गया है, डोर देख सकते हो। मेन डोर से एंट्री करके आप लोग को हॉल रूम देखने के लिए मिल जाएगा। हॉल रूम का लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा फर्स्ट बेडरूम कुछ इस तरह का आने वाला है। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा स्टोर रूम कुछ इस तरह का आने वाला है, छोटा सा स्टोर रूम देख सकते हो। हॉल से इस डोर से एंट्री करोगे तो नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा डाइनिंग हॉल कुछ इस तरह का आने वाला है। कॉमन वॉशरूम कुछ इस तरह का आने वाला है। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा किचन कुछ इस तरह का आने वाला है। एल शेप के अंदर किचन का डिज़ाइन किया है। किचन देखने के लिए मिल जाएगा किचन का लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा एक स्टोर रूम, छोटा सा स्टोर रूम आने वाला है। 2 नंबर बेडरूम कुछ इस तरह का आने वाला है देख सकते हो। कुछ सेंटर में एक छोटा सा लैट्रिन बाथरूम देखने के लिए मिल जाएगा। 3 नंबर बेडरूम कुछ इस तरह का आने वाला है। यह है 3D टॉप एंगल व्यू कुछ इस तरह का आने वाला है। वीडियो में थोड़ा नॉइज आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इस तरह वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट है तो आसाम सिविल हाउस डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक करके रखना। ऐसा न्यू हाउस डिज़ाइन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन किया है। चलिए इसका 2D मेजरमेंट प्लान देख लेते हैं। फ्रंट साइड और बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा 30 फीट 0 इंच। लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा 50 फीट 0 इंच। टोटल स्क्वायर की बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट के अंदर टोटल एरिया आ जाएगा इसका। 2D मेजरमेंट प्लान देख लेते हैं नक्शा किस तरह आने वाला है। फर्स्ट एंट्री का साइज रहेगा 13 फीट 5 इंच × 6 फीट 6 इंच। स्टेप रूम का साइज रहेगा 15 फीट 2 इंच × 6 फीट 6 इंच। हॉल रूम का साइज रहेगा 15 फीट 8 इंच × 14 फीट 8 इंच। फर्स्ट बेडरूम का साइज रहेगा 12 फीट 10 इंच × 14 फीट 8 इंच। वॉशरूम का साइज रहेगा 8 फीट 2 इंच × 4 फीट 9 इंच। नेक्स्ट स्टोर रूम का साइज देखने के लिए मिल जाएगा 8 फीट 4 इंच × 4 फीट 5 इंच। किचन का साइज देखने के लिए मिल जाएगा
8 फीट 4 इंच × 9 फीट 5 इंच। टू नंबर बेडरूम का साइज़ देखने के लिए मिल जाएगा 11 फीट 5 इंच × 12 फीट 2 इंच। कॉमन वाशरूम का साइज रहेगा, लेटरिन बाथरूम का साइज देखने के लिए मिल जाएगा 5 फीट 3 इंच × 7 फीट 2 इंच। तीन नंबर बेडरूम का साइज रहेगा 11 फीट 4 इंच × 12 फीट 2 इंच। यह 2D नक्शा कुछ इस तरह का आने वाला है, 3D टॉप एंगल भी कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। कितना रूम का डिज़ाइन चाहिए कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो मिल जाएगा। फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर सो मच। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल माय टू फैमिली फ्रेंड, थैंक यू सो मच।